भागलपुर में लोक आस्था का महापर्व मनसा पूजा के मौके पर पूरा अंग क्षेत्र भक्तिमय माहौल में रंगा हुआ है। सोमवार के अहले सुबह ही मंदिर के भगत के साथ कलश यात्रा कर भक्तों द्वारा पूजन प्रारंभ किया गया। श्रद्धालु पूरी तरह पवित्रता और विधि पूर्वक मां मनसा विषहरी की पूजा करते हुए दिखे। कोरोना वायरस के कारण वर्षों पुरानी परंपरा जिसमें माता विषहरी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती थी, ये परंपरा इस बार टूट गई। लेकिन जिले में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से मूर्ति पूजा और विशेष पूजा पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसके मद्देनजर मंदिरों में भी आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पाबंदी है। ऐसे में मां मनसा के भक्त मंदिर के दरवाजे पर ही पूजा कर मां से जल्द संक्रमण से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना कर वापस लौट रहे हैं। लॉकडाउन कोरोना काल को देखते हुए हम लोग सिर्फ कलश पूजा कर रहे हैं जी, और जो है माँ मनसा विषहरी की पूजा की शुरुआत हुई सुबह सुबह। और जैसा कि सब जानते हैं, आज कोरोना काल से हम लोग गुजर रहे हैं, जिसमें कि हजारों की संख्या में भीड़ होती है कि आज के डेट में। लेकिन ये कोरोना के वजह से और जिला प्रशासन के दिशा निर्देश के अनुसार केवल इस बार हम लोग विधि विधान कर रहे हैं पूजा का। कोई कि भीड़ भाड़ मेला या कि श्रद्धालु लोगों का प्रवेश मंदिर में प्रसाद चढ़ाने का सब कोई व्यवस्था नहीं किए हैं। बिहार में 6 सितंबर तक बढ़ा लॉकडाउन। सोमवार को गृह विभाग की बैठक में बिहार सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया। 6 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रखने का फैसला लिया गया है। बिहार में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में सरकार किसी तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। यही वजह है कि गृह विभाग ने 30 जुलाई को जारी किए गए आदेश को ही प्रभावी रखने का फैसला लिया है। लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही बिहार में स्कूल कॉलेज अभी बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों को भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल भी अभी नहीं खुलेंगे। कारोबारी गतिविधियों में थोड़ी छूट दी गई है। पार्क और जिम भी बंद रहेंगे, साथ ही रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। भागलपुर हबीबपुर थाना क्षेत्र मोमिन टोला निवासी इलियास अंसारी के बड़े पुत्र कमर अंसारी के सगे भाई चुन्ना अंसारी ने लोहे के रट से जमीनी विवाद को लेकर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं कमर अंसारी ने बताया कि हमारी बेटी ने दादा इलियास अंसारी से कुछ जमीन खरीदा था, उसी जमीन पर हम बाउंड्री करवाने आए थे। उसी दौरान हमारा छोटा भाई चुन्ना अंसारी अपने दो पुत्र के साथ हमला कर दिया और जान मारने की भी धमकी दे डाली। जैसे ही इसकी सूचना हबीबपुर थाना अध्यक्ष शंभू कुमार को मिली, पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई। वहीं घायल अवस्था में कमर अंसारी को हॉस्पिटल इलाज के लिए भेज दिया। पुलिस जांच में जुट गई है। उसका वो था माने काटी वाला वो रैक था और उसका बेटा को कह रहे लाओ, दो बेटा है उसका। क्या नाम है बेटे का? उसका अहद और समद, ये सब मिल के आपको। हाँ, ये बस वो लाठी दी, इधर वो मारने लगा, इधर ये मारने लगा। देखे हम जो बचाए हाथ में या जो भी है सब। संपूर्ण लॉकडाउन में पूरे देश में लागू लॉकडाउन का संपूर्ण पालन करने के बाद सोमवार को सांसद भागलपुर में दिखे। कोरोना संक्रमण के बीच बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए समीक्षा भवन में सांसद अजय कुमार मंडल के नेतृत्व में जिलाधिकारी प्रणव कुमार सहित अन्य अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक के दौरान बाढ़ में जिला प्रशासन की ओर से की तैयारी सहित अन्य मसलों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसी कड़ी में सांसद अजय कुमार मंडल ने जिलाधिकारी प्रणव कुमार से बाढ़ की तैयारी और भी पुख्ता करने, पीड़ितों को अविलंब राहत सामग्री सहित अन्य प्रकार की मदद उपलब्ध करवाने की बात कही। बैठक जो किया गया जिनकी दिशा में जो जो योजना आता है, जैसे बाढ़ नियंत्रण था, खाद आपूर्ति था, हमारा रोड का व्यवस्था था, जो अनेक व्यवस्था है उस सभी व्यवस्था पर बात किया गया इस बैठक में। क्या लक्ष्य के अनुरूप है? लक्ष्य के अनुरूप तो है, कुछ तो कमी है तो उन्हीं को तो पूरा करने के लिए विजिट किया गया ना। इसके साथ ही सांसद ने NH-80 की दयनीय स्थिति को लेकर अधिकारियों के समक्ष अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि NH-80 की इस दुर्दशा से वे शर्मिंदगी महसूस करते हैं। बैठक के उपरांत सांसद ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि
बाढ़ की विभीषिका झेल रहे लोगों के साथ सरकार की पूरी सहानुभूति है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को खाद्य सामग्री और अन्य प्रकार की मदद मिलेगी। सांसद ने जल NH-80 को दुरुस्त करने की भी बात कही। सांसद अजय कुमार मंडल की माने तो उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ वाले क्षेत्रों में पीड़ितों को किसी प्रकार की कमी ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है। दिल टूटा है रोड, ऐसी बात नहीं जी। तो रोड बन रहा है, टूट रहा है, गाड़ी की ओवरलोडिंग की व्यवस्था खराब हो गई है, उस पर कार्रवाई हो रहा है। बार बार आप देखे होंगे तो भागलपुर जिला से कई करोड़ फाइन करके भेजा गया, लेकिन आप चोर को कितना समझा सकते हैं? चोर, आप गलत सोच रहे हैं। लॉकडाउन में दिखाई नहीं देने का ही एक रूप दिया गया था, इसलिए दिखाई नहीं दे रहे थे, ऐसी बात नहीं है। आप हम अपने जगह पर, हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, ऐसी कई बात नहीं इसमें, क्योंकि हम बहुत नॉर्मली देख करके नहीं घूमना है, इसलिए नहीं घूम रहे हैं। मौन के चलिए। समाज सेवी संगठन ने MP MLA से ज्यादा काम किया गरीबों तक राशन मुहैया। समाज सेवी संगठन, तो उनका नाम ही समाज सेवी संगठन, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उनको करना ही है वो, इसलिए उनके उनके दिल में मैं किसी कारणवश भी नहीं घूमा। मैं शुगर से पेशेंट हूँ, हार्ट का पेशेंट हूँ, मुझे ज्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ करके चल रहा है, इसीलिए मैं बहुत कम लोगों से। भागलपुर के वार्ड संख्या 43 की रहने वाली नीतू कुमारी का प्रेम उसी के मोहल्ले के अनिल कुमार से चल रहा था। सोमवार को वार्ड 43 के पार्षद, प्रतिनिधि और वर्तमान थानेदार ने दोनों को बालिक होने के कारण आपस में समझौता कर उनको शादी के लिए राजी कर लिया। समझौता होते ही लड़के वालों ने थाने में ही लड़की की मांग भरवा दी और उसे अपने घर ले आए। मोहम्मद सोनू ने बताया कि दोनों राजी थे, इसलिए उन लोगों ने मिलकर सामाजिक स्तर पर ही मामला सुलझा लिया। कल ये दोनों शादी कर लेंगे। हमारे वार्ड में, वार्ड 43 में थाना में एक केस आया था अंबावाक का, और जो है हमारे बड़े पवन भाई जो हैं उन सबको डिसाइड कर करके सबको घर भेज दिया, कहा अपना अपना शादी करो या क्या, हम लोग कोई अन्य है। लेकिन हाँ, वाजिब फैसला हुआ, अच्छा है, क्योंकि गलत नहीं हुआ। लड़की अपने मन से शादी किया लड़के से, और हम लोग आए देखें, बहुत अच्छा लगा। भैया जो है बहुत अच्छे से निपटाना करके शादी का आदेश दे दिया कि जाइए आप लोग शादी करिए, आप लोग उम्र है। 15 अगस्त को 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रोटरी विक्रमशिला एवं पिंक क्लब के द्वारा संयुक्त रूप से झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया गया, जहां नव निर्वाचित अध्यक्ष रोटरियन गायत्री सिंह ने तिरंगा फहराया और सभी ने राष्ट्रगान गाकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। कार्यक्रम के पहले क्लब रोटरी पिंक का चौथा इंस्टॉलेशन कार्यक्रम भी किया गया, जिसमें पूर्व अध्यक्ष किरण गोस्वामी ने अध्यक्ष गायत्री सिंह को कॉलर पहनाकर एवं गुलदस्ता देकर नए सत्र का कार्यभार सौंपा। वहीं पूर्व सचिव प्रीति पांडे ने नई सचिव बबीता शाह को कॉलर पहनाकर एवं गुलदस्ता देकर स्वागत किया। झंडोत्तोलन के पश्चात जूम पर ऑनलाइन सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें क्लब के सदस्यों एवं उनके बच्चों ने कई तरह के नृत्य, कविता एवं गाने प्रस्तुत किए।